ओहो, बहुत दिनों से मन कर रहा था। ओह माय गॉड गाइस, सरप्राइज तो बाकी है। सरप्राइज इज देयर, यू मस्ट हैव सॉ दैट राइट? या सॉ दैट विंटेज मॉडल्स गाइस, ट्रिपल आर एंड होंडा गोल्ड विंग। ये अमेजिंग यार, ओह माय गॉड, दिस इंप्रेसिव यार, भाव को गिफ्ट में दे दो, ले लो यार ले। Hi guys, welcome back to the channel with my another video. So good morning to all of you and guys पहुंच चुके, अरे भैया मार ही देते भाई लॉगिंग करते करते। और गाइस पहुंच चुके भुवनेश्वर एयरपोर्ट। सो गाइस यस, मालदा में पूजा अटेंड किया, फिर रात को वंदे भारत में निकले और सुबह को फ्लाइट पकड़े भाई, भुवनेश्वर आ चुके हैं। एंड गाइस द रीज़न इज भाई यहाँ पे इवेंट हो रहा है, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। तो इवेंट में क्या क्या होने वाला है वो तो भाई मुझे भी जाने के बाद पता चलेगा, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम है। और भाई ग्रैंड इवेंट है कि छोटा इवेंट है मुझे ठीक तरह से भी पता नहीं, बस इन्विटेशन था, BMW वाले ने बोला, आनंद भाई ने बोला कि एज ए इन्फ्लुएंसर यू आर इन्वाइटेड, बस चला यही बात है। प्लानिंग्स तो बहुत पहले था लेकिन किसी को नहीं बताए, मतलब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, सॉरी फॉर देट। तो चलो गाइस अभी कैब कर चुके हैं, ओके। सो ये कैब से जाएंगे कोणार्क के वॉक पे जाएंगे भाई, इको रिट्रीट रिसोर्ट है, सो रिसोर्ट पे थोड़ा रेस्ट लेंगे एंड उसके बाद भाई इवेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो गाइस चलते, वीडियो में बने रहना भाई लोग। और गाइस चलो भाई, छोड़ा था क्योंकि पूरा रात नींद नहीं आया था भाई, कैब में थोड़ा सो रहा था। एंड गाइस आ चुके हैं, बहुत अच्छा सीन्स दिखा रहे हैं भाई। तो गाइस हियर यू कैन सी, अभी नहीं दिखेगा, ये देखो गाइस सी बीच, ओ भाई एमजी रोड्स, एंड इधर देखो फॉरेस्ट, ओ क्या वाइब से भाई। तो भाई अभी होटल में जाके फ्रेश होना है, तो सुबह जीत है वहाँ पे फ्रेश होके फिर इधर ही आना है भाई इको रिट्रीट में। तो होपफुली बहुत मौज मस्ती होने वाला है, तो देखते हैं गाइस क्या क्या इंतजाम है। तो चलिए होटल की तरफ चलते हैं भाई लोग। बहुत दिन बाद पूरी आए गाइस, पूरी तो नहीं मतलब कोणार्क के यहाँ, तो बहुत दिन से मन कर रहा था कि आएंगे। और गाइस चलो होटल में चेक इन किए थे, एक्चुअली ये गवर्नमेंट का टूरिस्ट होटल है, तो भाई चेक इन किए थे और अभी निकल रहे हैं भाई, वो इवेंट साइट में जाना है। किस तरफ से जाएंगे, कौन से साइड से जाएंगे भैया? बाहर बाहर इस तरफ, बाएं तरफ, ओ ओके। तो रास्ता में भूल गया था गाइस, तो शायद शुभजीत है वहाँ पे। गाइस रिसोर्ट कुछ ऐसा है, बढ़िया प्लेस है भाई, चारों तरफ ग्रीनरी। शुभजीत कहाँ है? बाहर है मेरा शुभजीत। ओए बाइक कहाँ है? बाइक 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 बाइक। तो गाइस बाइक कौन सा चला? आज 850 चलाएंगे। ओके, तो गाइस मीडिया की 850 चलाएंगे एंड बहुत ही एक एक्साइटिंग चीज आप लोगों को दिखाना है गाइस, बहुत ही एक्साइटिंग चीज। शुभजीत क्या बहुत ही एक्साइटिंग चीज है क्या है? देख के दिल खुश हो जाएगा। तो चलो गाइस पहले वहाँ चलते हैं, तो बात की सब कुछ दिखाते हैं गाइस। सो प्लानिंग से फुल डे का एकदम, रात तक कितने बजे तक भाई? 11 बजे, रात के 11 बजे तक चलेगा फुल ऑन भाई, पार्टी डीजे वगैरह सब चलेगा, आई होप सो, ऐसा ही कल हुआ था। तो गाइस चलो मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो गाइस अभी मैं ये 850 चलाने वाला हूँ और शुभजीत वो 1250 चलाने वाला है। कहाँ गया बंदा? गोप्रो भूल गया, नशा नहीं उतरा ना, टॉक्सिक हो गया टॉक्सिक। तो चलो गाइस इसको ऑन करते हैं, की तो मेरे पास ही है। वाओ तो चलो गाइस इवेंट साइट में चलते हैं। एंड गाइस एक बात बताते हैं आपको, मतलब मुझे भी इतना झटका लगा, तो गाइस मैं यार हेलमेट भूल गया था, ओके
एयरपोर्ट के गेट के बाहर ही। तो जब मैं बैग चेकिंग कर रहा था भाई, वेब चेकिंग तो पहले से ही किया हुआ था जब बोर्डिंग पास ले रहा था, तब भी मुझे याद नहीं आया कि हेलमेट मैं भूल गया हूँ। जब लास्ट गेट से निकल कर जब बस में उठे भाई, फ्लाइट में जब उठ गए तब याद आया अरे हेलमेट भूल गए। तो भाई जब वो बोर्डिंग पास ले रहे थे, मेरा एक सब्सक्राइबर था, इंडिगो का ही स्टाफ है, तो भाई से मुलाकात हुआ था। भाई ने बोला कि भैया आप मेरा नंबर ले लो, इसके बाद कोई अगर प्रॉब्लम भी होगा या फ्लाइट के लिए कोई इंक्वायरी या फिर प्रायोरिटी चेकिंग जो भी हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। वो सोच के ले लिया, नंबर ले लिया, ठीक है। अरे भाई वही काम आ गया, भाई को मैंने फ़ोन किया तो उसी टाइम एज बिकॉज मैंने थोड़ा लेट बोर्डिंग किया था तो फ्लाइट का टेक ऑफ का टाइम हो चुका था, और भाई हेलमेट उसको भी सिक्योरिटी तो बहुत टाइट रहती है ना, एंड 26 जनवरी था, उसको भी एंटर नहीं करने दिया जो भी हो, स्टाफ हो जो भी हो, क्योंकि सिर्फ हेलमेट लेके था। तो थैंक्स टू हिम दिस ब्रदर कि उसने मैं अपना हेलमेट दिया एंड मोटो ब्लॉगिंग सेटअप भी दिया, फिलहाल कैमरा मेरा लगा हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट फ्लाइट में, शायद उसने अरेंज किया नेक्स्ट फ्लाइट में हेलमेट भेजने के लिए, तो देखते हैं होपफुली मिलता है कि नहीं भाई। अरे 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 रोड के मिडिल में आ जा रहा है भाई, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, स्टोरी करना है, चलो स्टोरी करते हैं। यो गाइस, यो ये स्टोरी मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी में डालूंगा, और जो भी मैं पोस्ट रील्स डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम आईडी में, एंड ये वाला इवेंट का भी सब डालूंगा भाई। क्या सस्पेंशन रेशियो है भाई, एकदम भी तकलीफ नहीं महसूस हो रहा है भाई, देखो पैचेस में से भी जा रहे हैं भाई। बीएमडब्ल्यू के इंजीनियरिंग का ऐसे ही मैं तारीफ नहीं करता हूँ भाई, जो भी हो। अभी भाई रील्स कर दे रहा है एंड मैं 850 चला रहा हूँ या सैडल करके। ओ हो गाइस, यो हो, बहुत दिनों से मन कर रहा था यार कि किसी समुंदर किनारे घूमने जाने का, एंड फाइनली आ गए भाई। आ चुके हैं भाई बीच बाइक फेस्ट। हेलो गाइस, एंटर कर गए भाई बीच बाइक फेस्टिवल। ओ भाई कितने सारे टेंट से गाइस, देखो। ओहो ओहो, सो गाइस दिस इज द मेन स्टेज एंड हियर यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ सुपर बाइक्स। तो एक्चुअली ये बीच बाइक फेस्ट चल रहा है भाई, तो चलो भाई बहुत एक्साइटिंग कुछ बाकी है, ऐसा ही देख के कुछ लग रहा है। एंड लव द एंबियंस भाई, लव द एटमॉस्फेयर। ओ ओ ओ, अभी नहीं दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे। ओ माय गॉड गाइस, दिस इज द सेक्सी ब्यूटी, माय गॉड माय गॉड। भाई देख के ही खतरनाक लग रहा है। ओ बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बाहर का नजारा देखो, एकदम अलग ही एम्बियंस है, अलग ना एकदम। भाई तू सर्दी के कपड़े पहन के क्यों आया? अरे मैं मुझे क्या मालूम था इतना गर्मी है, 15 डिग्री मिलेगा तो 15 डिग्री मिलेगा। वहाँ पे लग रहा था नॉर्थ सिक्किम में है यार, यहाँ पे लग रहा है कहाँ पे आ गए। और एक इन्फॉर्मेशन देना है, दिस इवेंट इज को स्पॉन्सर्ड बाई मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक। अपन लोग का तो बहुत ही फेवरेट है भाई, कल से पीते जा रहे हैं मॉन्स्टर। तीन रात से घर में पूजा था तो ऐसे ही बहुत टायर्ड थे, तो मॉन्स्टर में ही चल रहा है अपनी जिंदगी 3-4 दिन से। ओके तो अभी मॉन्स्टर लेना है भाई। सो गाइस अभी एक बीएमडब्ल्यू मोटर का एक टी शर्ट खरीदे क्योंकि, और दादा नेक्स्ट टूरिंग एज ने नी नेक्स्ट टूरिंग एज ने। ओके हमें तो लूट लिया मिलके आनंद वालों ने, बीएमडब्ल्यू वालों ने क्या बोले बोले।
एक्चुअली गाइस आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना गर्मी होगा यहाँ पे भाई, स्वेटर पहन के आए थे तो दैट्स व्हाई कोई टी शर्ट वगैरह नहीं लाए थे, दैट्स व्हाई ये खरीद लिए भाई। और क्या करें, ये तो सुभिजीत का पहन के ट्राई किए तो भाई ये पहन लेते हैं, अभी कंफर्टेबल होते हैं। और चलो वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना भाई, वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है गाइस। घुस जाऊंगा लेकिन घुस जा घुस जा मजाक कर रहे है, मजाक कर रहा है तू, मजाक चल रहा। सो गाइस और भाई टायर्ड भी हो चुके हैं एंड अभी लॉट्स ऑफ सुपर बाइक्स गेम, तो दिखाते हैं गाइस। दिस इज उड़ीसा बाइक फेस्ट, माय गॉड लॉट्स ऑफ सुपर बाइक्स गाइस। ओह सी दिस विंटेज मॉडल्स गाइस, दिस आर द विंटेज मॉडल्स। ये यसडी है, ये विंटेज मॉडल भाई एनफील्ड है। सीरियसली गाइस मुझे भी गाइस मुझे बहुत शौक है विंटेज मॉडल्स का, कोई अगर मिलेगा तो देखेंगे एक बार, एक घर में तो रखना है गाइस। तो ये शायद गिर गया इसके ऊपर, यू कैन सी ZX 10R पूसा, इस 1000R RRR एंड ये इज द होंडा गोल्ड विंग। भाई कितनी बड़ी बाइक है, my god guys, and this is also the honda goldwing। and guys mere piche abhi jo dekh rahe ho BMW S1000 RR, iska model ka naam kiya hai passion, bhai red hot beauty, my god kya lag raha hai ye guys। शार्प एजेस विंगलेट्स, ये देखो यहाँ पे शार्प एजेस हुआ है, तो पिछले मॉडल कंपेयर टू द बैक मॉडल ये काफ़ी डिफरेंट है गाइस। एंड सी द टेल सेक्शन, माय गॉड गाइस। सो फ्रंट में ये नोज और भी लुक्स बेटर लग रहा है, माय गॉड सी द विंगलेट्स गाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड गाइस पावर में थोड़ा चेंज हुआ है, टू या 2.5 BHP ऐसा कुछ बना है। तो ये तो हो गई पैशन मॉडल, तो गाइस इसका थोड़ा सिनेमैटिक्स देखना चाहते हो, द TFT लुक्स क्वाइट सिमिलर, तो पावर में थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी सब डायग्नोसिस सेम ही है गाइस। तो ये भाई ये थोड़ा शार्प एजेस एंड ये वाला थोड़ा चेंज हुआ है गाइस। एंड BMW इज़ नॉन फॉर इट्स टेक्नोलॉजी, आप लोग जानते हो, एंड इट हैज़ द टॉप ब्रेकिंग सिस्टम। फिलहाल ये वाले में एम वाला ब्रेकिंग सिस्टम नहीं आ रहा है, द एम बैजिंग वाला ब्रेकिंग सिस्टम और टॉप ऑफ द वेरिएंट में आ रहा है जो है एम स्पोर्ट। तो गाइस देर इज़ समथिंग एक्साइटिंग टू कम, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। एंड हेयर इज़ द इलेक्ट्रिक स्कूटर, ओ मैडम इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कुछ बता दो। This is very powerful. This looks amazing. Yeah. Oh my god. Oh my god. You want to impress your girlfriend? Yeah. Take this. Yeah, okay. You want to impress anybody? Just take it. Enough space. ये price तो बहुत बड़ा दिया है, 20 लाख price किया है। Price से क्या जाता है? हम हमको gift में दे दो। ले लो आप। सब तो आप ही कहेंगे। पहले check कर लो। क्या must है ये? एकदम एकदम। Brand है। उसके बाद देखो इसका comfort. Oh my god. Or look from all angle please, show them. Yeah. Did you show them what you're wearing? What am I wearing? I'll tell you. Okay. I'll tell you people, ये जो है वो बहुत दूर से इधर आए हैं for this BBF और he's so dedicated that he drove all night and that too his dress was completely damaged but he bought something and we gave him some discount but still he bought it and he's looking handsome. Thank you. Handsome बोल दिया। क्यूट गर्ल ने हैंडसम बोल दिया, थैंक यू। तो गाइस मैक्सिमम स्पीड ऑफ 120 या 120 किलोमीटर पर आवर एंड ये ग्लोबली लॉन्च हुआ है बट स्टिल डिडंट लॉन्च इन इंडिया, एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया इन द एंड ऑफ 2023 आई थिंक, एंड एक शोरूम प्राइस 20 लाख ऐसा ही होगा। बट द स्पेसियस एंड भाई इसमें तो 4-5 आदमी बिठ जाएगा। Yes, पूरी फैमिली लेके बैठ सकते हैं एकदम, और पता भी नहीं चला जैसे लग रहा है एरोप्लेन है। एरोप्लेन बता बाबा, टू हूम आई एम टॉकिंग, स्क्यूट गर्ल का नाम जान सकते हैं? I am Shitabdi and I am the host. क्यूट सी बात करती है भाई, मतलब ऐसे बोल दिए मुझे अभी लेने का मन कर रहा है, लेकिन बहुत गरीब आदमी हूँ इसलिए अभी भाई इतना पैसा नहीं है, नहीं ले सकता। हो जाएगा ओके।
गाइस चलो इस वीडियो का यही एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वाला वीडियो के लिए वेट करना भाई, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। तो गाइस स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, आप लोग के प्यार से ही भाई और इंस्पायर हो रहे हैं। तो गाइस लव यू ऑल, और भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना गाइस। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल रखो, हंसते रहो गाइस।